हाँ जी सारे नु सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। मेरे पाकिस्तानी यानी कि मेरे अपने पंजाबियों का इस चैनल ते आन ते बहुत बहुत स्वागत है। ते अज जिहड़ी वीडियो ते तुहानू रिएक्शन देन लगी हाँ, जिहड़ी शेयर कर लगी हाँ, वो एक इंटरस्टिंग फैक्ट है। जेकर तुसीं उस कंट्री विच जाना चाहते हो, अपने जिहड़े ड्रीम्स ने उन्हें फुलफिल करना चाहते हो, तो उस तो पहला ये वीडियो जिहड़ी है जरूर वेख लियो, क्योंकि ये वीडियो का जिहड़ा ओरिजिनल वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन विच है, तुसीं ओरिजिनल वीडियो वेखो फिर। सो ये वीडियो जिहड़ी अज मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ, बहुत ही जिहड़ी वक्री है, क्योंकि मैं पहला ही गल कर चुकी हाँ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स ने। सो इंट्रस्टिंग फैक्ट्स जिहड़ी मैं कंट्री बारे अज गल करांगी वो हैगी है चाइना। तो चाइना दे विच ते मैं इंडिया दे विच हूँ, उस दे राही जिहड़ी सिम इहदे विच चाइना ते इंडिया दे विच खान पान हर एक चीज़ की असी गलबात करिए बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट जिहड़े लोग जिहड़े ने वो चाइना जाना चाहते ने, तो उहदे जिहड़े इंट्रस्टिंग फैक्ट्स हैगे ने, जिहड़ियां जरूरी गल्लां है, वह गल्लां अज मैं तुहाडे नाल इस वीडियो दे विच जिहड़ी है वह शेयर कर रही हाँ। सो ये वीडियो तो रिएक्शन दे रही हाँ, सो ये वीडियो आप पहला स्टार्ट कर दें। सो लेट्स वॉच द वीडियो। कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका सकती है चीन के बारे में, उनमें से एक ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात 100% सच है। यहाँ पर अगर किसी पैसे वाले लोग ने क्राइम कर लिया और अगर उसे जेल नहीं जाना, तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले उसे जेल की सजा काटने भेज सकता है। आपको हंसी आ रही होगी कि क्या बात है, लेकिन दोस्तों ये तो चीन है, यहाँ पर सब कुछ होता है। क्राइम कोई और करे और सजा भुगते कोई और। वेल दोस्तों, एक और चीज जो आपको चीन के बारे में चौंका सकती है वो है यहाँ की यूरिन थेरेपी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कैसे यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि चाइना के ज्यादातर लोग अर्ली मॉर्निंग अपने यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी आया है। अब क्या ही कहें, चाइना है तो सब मुमकिन है भाई। क्या आपको कहा है कि चीन की अपनी भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल, चाइनीज भाषा। वही अमेरिका की अपनी भाषा इंग्लिश है, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग आपको चीन में मिलेंगे। यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि चाइना ने इंग्लिश बोलने वालों की लिस्ट में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि चीन है तो सब कुछ मुमकिन है, ये फैक्ट आपको बहुत हंसाने वाला है। चीन देश में छोटे बच्चों को कभी भी डायपर नहीं पहनाया जाता। यहाँ के लोगों का मानना है कि डायपर पहनने से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ के पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों के लिए स्पेशल कपड़ा खरीद कर रखते हैं, जिससे कि पीछे और आगे की जगह खाली छोड़ दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को अगर पोटी आ गई तो पेरेंट्स को कोई परेशानी ना हो और बच्चे को भी कहीं भी बिठाकर पोटी या सूसू करवा दिया जाए। वेल दोस्तों, आज भी चीन के लोगों का मानना है कि जो लोग ज्यादा गोरे दिखते हैं वो अमीर होते हैं। ये मेंटालिटी चीन के लोगों की इसीलिए है कि यहाँ की आबादी जब भी धूप में कहीं निकलती है तो ऊपर से नीचे तक का मास्क जरूर लगा लेते हैं। इन्हें लगता है कि अगर स्किन टैन हो गई तो इनकी इज्जत खराब हो जाएगी और समाज के लोग इन्हें लेबर क्लास समझेंगे। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन एक ऐसा देश है जहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है, यहां तक कि गर्लफ्रेंड्स भी, बस आपको अपनी जेब से पैसे निकालने हैं। आपको बता दूं कि यहां पर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर अपने आप को आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद आप कितने दिनों के लिए गर्लफ्रेंड चाहते हैं ये बता सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको पे करना होगा। यहाँ पर आपको एक दिन से लेकर दो महीने तक के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप इसके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा सकती। ये लड़कियाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करती है, ना कि फिजिकल। वैसे ही दोस्तों, चीन में एक और सर्विस है जो कि बहुत हिट है, वो है कि अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए तो आप एक प्राइवेट कंपनी को कॉल कर सकते हैं जो कि अपने आदमियों की मदद से आपको उस ट्रैफिक से निकाल सकती है और बाद में आपकी गाड़ी आपके घर तक पहुंचा देती है। आपको बस एक नंबर पर कॉल करना है और आपको एक कंपनी ट्रैफिक से बचा लेती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास पैसा है तो आप चाइना में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है और तो और इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक मारा जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। वह दोस्तों, जब बात पांडा की हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि चीन के लोगों के बीच में पांडा की
बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, पांडा टी। इसका मतलब तो सुन लीजिए दोस्तों, पांडा टी का मतलब होता है इस जावा की पोटी से बनी हुई चाय। यहाँ के लोग पांडा की पोटी को सुखाकर चाय पत्ती बनाते हैं और मुझे लगता है कि इससे आपकी हेल्थ काफी ठीक रहेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी घोस्ट सिटी ऑफ चाइना का नाम सुना है? ड्रैगन के देश में भूतों का शहर, क्या ये सच है? सुनकर अजीब लगता है। आप सोच रहे होंगे कि जहाँ इतनी आबादी है वहाँ भूत कहाँ रहते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है। दरअसल चीन में इतने ढेर सारे फ्लैट्स बन गए हैं कि इनमें रहने वाला कोई नहीं है। खाली पड़े रहने की वजह से कई टाउनशिप में सन्नाटा छाया रहता है। शायद इसीलिए लोग इनको घोस्ट सिटी ऑफ चाइना भी कहते हैं। एक आकलन के मुताबिक चीन में तकरीबन 64 मिलियन यानी 6,60,00,000 घर खाली पड़े हैं। फोरेंसिक एशिया लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं, लेकिन सब के सब खाली हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का मानना है कि कई सालों से खाली पड़े इन मकानों में भूत बसते हैं। वेल दोस्तों, ये बात तो आपको बता ही होगी कि चीन में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का काम होता है, जिसकी वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत लो है। तभी तो दुनिया भर में मुहिम लोगों ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करो, लेकिन चीन के लोगों ने इनमें भी बिजनेस देख लिया। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको शुद्ध हवा लेने के लिए आपको एक एयर क्वालिटी का डब्बा मिलता है जिसकी कीमत होती है 2,000 रुपए। इस डिब्बे में जो हवा होती है वो 98% प्योर होती है। एक डिब्बे से आप 80 बार से लेकर 160 बार तक सांस ले सकते हैं। अगर आपको चीन में शुद्ध सांस लेनी है तो उसके लिए भी आपको पैसे भरने होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे एडिबल बर्ड नेस्ट सूप या स्विफ्ट लेक्स भी कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1,50,000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाइना घूमने के इरादे से जा रहे हैं तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं। नंबर 1, जांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। आपको हॉलीवुड फिल्म अवतार तो याद होगी, वही जेम्स कैमरून वाली जिसने दुनिया भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में जैसे अद्भुत दृश्य कैमरून ने रचे थे उन्हें भूलना कतई आसान नहीं, खासकर पहाड़ों के दृश्य। लेकिन क्या आपको पता है कि कैमरून को अपनी फिल्म के लिए ऐसे पहाड़ों की रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका जवाब है चीन से। जी हाँ, चीन के हुनान प्रांत में ऐसे ही पहाड़ मौजूद हैं जो दर्शनीय और शानदार पर्यटन स्थल भी हैं। हुनान प्रांत के जांगजियाजी की यात्रा के दौरान हमें ऐसे कई पर्वतों के दर्शन होते हैं जिन्होंने अवतार के दृश्य रचने में कैमरून की सहायता की। नंबर 2 पर है ग्लास ब्रिज। वेल दोस्तों, अगर इसे नहीं देखा तो क्या देखा, ये ब्रिज पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये 300 मीटर ऊंचा और 430 मीटर लंबा है। 2016 में जब इसे खोला गया तब ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज था। हालांकि ये सबसे कम समय तक खुला रहने वाला ब्रिज भी है। आप समझिए दोस्तों कि जब इस ब्रिज से नीचे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मानो आप आसमान में ही चल रहे हैं। कई बार तो जानबूझकर यहाँ के ग्लासेस को टूटते हुए दिखाया जाता है ताकि लोगों के बीच में यहाँ का रोमांच और बढ़ जाए। वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार यानी कि लॉन्गेस्ट वॉल है। ये इतनी लंबी है कि इसको जान से भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बारे में तो पूरी दुनिया को पता ही है, यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। वैसे भी आपको यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी मिलेंगे। टेराकोटा आर्मी। ये योद्धाओं को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा भूमिगत सैन्य संग्रहालय है जो किसानों को खुदाई के दौरान खोजा गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जमीन के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की या कहें कि पूरा का पूरा साम्राज्य ही मिला हो? ये जगह भी ऐतिहासिक है और यहाँ पर आप जरूर आए। येलो माउंटेन। येलो पर्वत चीन में सबसे अधिक 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये अपने विषम आकार की चट्टानों, अजीबोगरीब चीड़ के पेड़ों, बादलों के समुद्र और गर्म झरनों के कारण चीन में सबसे अधिक चित्रित और छायांकित पहाड़ है। यहाँ का नजारा ही सबसे अलग होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो इसे कभी नहीं भूल पाता। वाकई में ये बहुत ही कमाल की जगह है। हांगजू लेक। दोस्तों, इसे चीन की धरती पर स्वर्ग के रूप में बनाया गया है। ये झील शांति का एक प्रतीक है जिसमें विचित्र पैगोडा और चीनी शैली के धनुषाकार पुल हैं। यहाँ की सुंदरता देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर भी भारी संख्या में आपको देश विदेश के लोग मिल जाएंगे। आप इस लेक में बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। मोगाओ केव्स। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मोगा की पहली गुफा एक बौद्ध भिक्षु लियोन ने बनवाया था। उनके पास 1,000 बुद्ध की दृष्टि थी। मोगाओ गुफाओं को मोगाओ क्रूट्स, दुनहन की गुफाओं या 1,000 बुद्धों की गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है।
ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। ओह माय गॉड, की गल करा चाइना दे बारे दे विच, क्योंकि चाइना दी तुसी ये वीडियो वेख के ही जिहड़ा बहुत कुछ जिहड़ा समझ चुके होवोगे कि चाइना दे विच एहो जी कई चीजा ने कि उस तो मेरे कोई गल नहीं निकले दी कि एहो एहो जे मतलब जिहड़ा मतलब कि उन्होंने अखीर ते जाके दस्सिया कि जिहड़ियां असल दे विच घूमन वालियां जिहड़ियां जगह ने उह ते बहुत लाजवाब है, बट जो उस तो पहला जिनी वीडियो दसी है कि एंड की कुछ वह मतलब खाते पीते एंड ऑल डैट, तुसी जिहड़े वध मेरे तो जानते होवोगे, मैं शायद उन्ना नहीं मैनू इन्ना ज़्यादा पता कि मैं वीडियो तो जरूर देखी। सो इसी आसी वीडियो जेकर वधिया लगी इसको लाइक जरूर कर दिओ, कमेंट करके जरूर दस्या करो कि तुहानू वीडियोज़ मेरियां किवें लगदियां ने, तुहानू होर किहड़ी वीडियो तो जिहड़ा रिएक्शन चाहिदा उह वीडियो ते रिएक्शन करांगी जरूर। सो मिलदे हां हुण किसी होर वीडियो दे, तद तक सारिआं नूं सति श्री अकाल।